हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, नाउ वी टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस टू वाई प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई आई इमेजिनरी टर्म प्लस फोर आई इमेजिनरी टर्म इज इक्वल टू फाइव. हमें x और y की वैल्यूज निकालना है और x और y क्या है इस केस में वो वेरिएबल्स है क्योंकि इक्वेशन दिया हुआ है एंड इन दिस इक्वेशन देयर आर इमेजिनरी टर्म्स आल्सो. मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड इक्वेशन है जिस इक्वेशन में वेरिएबल्स x एंड y है और उनकी वैल्यूज हमें निकालना है. क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन है तो रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म्स को अगर हम इक्वेट करेंगे तो रियल टर्म के कारण हमें एक इक्वेशन मिलेगा, इमेजिनरी टर्म के कारण सेकंड इक्वेशन मिलेगा. जो दोनों इक्वेशंस में यूजुअली एक्स और वाई रहेंगे या उनमें से एक तो रहेगा और फिर वो दो इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस में किया था टेंथ में. और फिर सॉल्व करने के बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यू आएगी. ठीक है, देखते हैं. चलो सिंप्लीफाई करते हैं. पहले सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करके करना है या इमेजिनरी और रियल टर्म्स को साथ में लेके करना है जैसे हम चाहें. अगर हम देखेंगे कि वेरिएबल्स ये दो ब्रैकेट्स में है तो कॉन्स्टेंट वाले टर्म्स को अगर राइट साइड लेके जाते हैं तो इक्वेट करना आसान हो जाएगा. तो वैसे कर लेते हैं, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई आई इज इक्वल टू फाइव और फोर आई जो पॉजिटिव है उस साइड भी हो जाएगा निगेटिव. सिंप्लीफाई हमने क्या किया, एक ही टर्म को शिफ्ट किया क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान प्रॉब्लम है. अभी अगर हम इक्वेट करते हैं रियल पार्ट से दोनों साइड तो x प्लस टू वाई ये इक्वेशन हो जाएगा, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू व्हाट फाइव, इक्वेशन नंबर वन. और इमेजिनरी टर्म्स को अगर हम इक्वेट करते हैं तो उसके जो कोएफिशिएंट्स है आई के, ये आई के कोएफिशिएंट्स है टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू यहाँ पे है माइनस फोर, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर टू. देखिए दो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गए इसको इक्वेट करने के बाद. अभी किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, सेकंड की वैल्यू निकालना है. आइदर हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं या फिर अगर हम इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू से और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी बेटर है क्योंकि ये मेथड कॉमन रहेगी, आगे काम आएगी. डायरेक्ट वैल्यू हर एक में आता है ऐसे नहीं, फिर उसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं. चलो देखिए, अगर इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन वन बनेगा टू एक्स प्लस टू टू जा फोर वाई इज इक्वल टू टू फाइव जा टेन, इसे देते हैं थ्री. टू एंड थ्री सब्ट्रैक्टिंग थ्री फ्रॉम टू, जैसे जिस ऑर्डर से उसी ऑर्डर से सब्ट्रैक्ट करते हैं थ्री फ्रॉम टू. सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, टू में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन बदल जाएंगे थर्ड के, तो निगेटिव होता तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो निगेटिव, यहाँ पे तीनों पॉजिटिव सब निगेटिव हो गए. टू एक्स हो गया कैंसिल, माइनस थ्री माइनस फोर डेट इज माइनस सेवन हो गए, माइनस फोर माइनस टेन डेट इज माइनस फोरटीन, सो वाई इज इक्वल टू सेवन टू जा माइनस माइनस प्लस, ये आ गई वाई की वैल्यू. अगर इस वैल्यू को तीनों में से किसी भी इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है जो कि इजी इक्वेशन है, अगर देखेंगे इजी क्या है तो इजी वन है. तो अगर हम ये वैल्यू जो है वाई इज इक्वल टू टू इसे पुट करते हैं इन इक्वेशन वन तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई व्हाट इज टू वाई, वाई इज टू इज इक्वल टू फाइव, सो एक्स इज इक्वल टू 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 जो फोर प्लस फोर हो जाएगा माइनस फाइव माइनस फोर डेट इज वन. और इस तरह से हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद x और y दोनों के वैल्यूज आ गए, x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 2. तो दोस्तों इस तरह से x और y के वैल्यूज के जो भी प्रॉब्लम्स है इक्वेशन के साथ हमें सॉल्व करके साइमल्टेनियसली उन्हें फाइंड आउट करना है. तो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि साथ में चलना है. और हाँ, कमेंट्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स दीजिए. चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.